अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। ये अल्लाह ताला से उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है, खैरियत से हैं। ये है जी मेरा पराठा। स्कूल से आने के बाद जैसे ही मैंने रोटी पकाना शुरू की, कस्टमर आ गया, लेट हो गई, तो अब दोबारा से मैंने पकाया अपना। और ये लोग खा रहे हैं, ये अशद खा रहे हैं। अशद हाय करो, अस्सलाम वालेकुम करो, हाय। और ये सब ये देखें तो सही, बच्चे तो बच्चे, बड़ों का काम देखें, लैपटॉप सामने रख के तो कर रहे हैं। अंसब के दही वाला रहता मेरे लिए रखना, अच्छा आलू चाहे रखो ना रखो, बस ये हमारा जो है ना पराठे ही दोपहर का पक्का पक्का बन गया है, जब से वाइट आटा लेना शुरू हुए हैं। और ये हो रहे हैं बेचारे, जैसे ही स्कूल से आई है, पहले तैयार हुई ट्यूशन के लिए, तो फिर खाना खाने के बैठ गई है। बस अब ट्यूशन थोड़ा टाइम ही होता है इसका, और अब मैं भी खाऊं बहुत। मुझे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो भाई? आप लोग जल्दी से जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये प्रैंक करता है मुझसे, इसको हर वक्त प्रैंक ही रहती है, जब भी कहता है प्रैंक प्रैंक, हर बात को ये प्रैंक में करता है। ये बच्चे जो है ना आजकल के बहुत मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और इनको वही वाली चीजें सारी याद है। क्या प्रैंक किया आपने मेरे साथ? हाउ किया, डराया मुझे? ये डराता रहता है। अब ये मेरा पराठा है, मुझे बड़ा दही दो मैं खाऊं, बहुत मुझे भूख लगी है। अभी और मेरे कस्टमर की कॉल है, ये वो भी आने वाले हैं, इससे पहले कि वो आ जाए मैं अपना खाना खा लूं, वरना ठंडा हो जाएगा रायता, यहाँ रखूं? अच्छा मुझे दे नहीं रहा, बड़ा मजे का लग रहा है इसको भी। मैं भी अपना खाना स्टार्ट करूं। मिर्च लगी मेरे को, तेरे को क्यों मिर्च लग गई? ये सब रायता मुझे दे ही नहीं रहा, क्या खा था इसलिए मिर्च लग गई? दो भला उसे बोलो उठाओ, खुद ही उठाओ, फिर मैं करती हूँ, तुम बैठ के खाना थोड़ा सा डाल दो। ना व्हाइट आटा का पराठा बड़ा मजे का लगता है, देना। ये लो आलू हैं तले हुए, और साथ में नवाला लें, आलू इसमें रखें और रायते में डिप करें और फिर खाएं। शोर नहीं करो बेटा, बहुत शोर करते हो, फिर डिप करके खाएं। वाह वाह क्या मजे की बात है, क्या कमाल हो जाएगा ये। ये देखें जी, मैंने कहा मैं अपने प्यारे प्यारे से अपनी बहनों को भी दिखाऊं अपना स्टॉक, तो बस जी अब मैंने भी सेल लगा दी हुई है, अब ये लास्ट स्टॉक है लॉन का, उस पर सेल लगाई हुई है, तो अब माशाल्लाह से काफ़ी कस्टमर आ रहे हैं खाना बनाने को, खाने को भी टाइम नहीं मुझे लग रहा, काफ़ी अब देर हो गई हुई है आई हूँ, तो मैंने खाना बनाया है, खाया है, खाते खाते से पहले ही फिर बेल हो गई है। अंतर देखो कौन है बेटा, तो ये मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा दूँ अपना स्टॉक, वो मेरी कापी पड़ी हुई है, मेरा जी धंधा सारा जो होता है हिसाब किताब पटारी मेरे रिकॉर्ड की वो पड़ी हुई है, और अभी हुरैन भी आ गई है ट्यूशन से। वालेकुम सलाम, यो बस हुरैन जाती है तो बाद में थोड़ी देर बाद जाता है, फिर हुरैन आती है थोड़ी देर बाद आता है, तो बस ना खाना मेरे मुश्किल से खा होता है। अब रबे लेवल में हमारे यहाँ पे ज़्यादा मिलाद भी होते हैं, शादियाँ भी होती हैं, तो लोग परचेजिंग ज़्यादा करते हैं, पहले कुछ कम कम था, अब माशाल्लाह से है, तो अब ना मुझे, मैंने अपनी नंद के घर जाना है, बहुत दिनों का सोच रही हूँ, टाइम ही नहीं लग रहा, उससे आती हूँ तो फिर कस्टमर होते हैं, खाना बनाना होता है, फिर सामान आपको पता है, फिर कपड़े निकालो रखो, वो मेरी अलमारी भी खुली हुई है, सामान सारा रखना, अभी भी मैं सोच रही हूँ, मैंने अभी वो ये रखने की शापर पड़ा हुआ है, ये मैंने दर्जन के पास जाना है, ये कपड़े मेरे नहीं हैं, मेरे फ्रेंड के हैं, ये सूट मेरा है एक, ये वाला जब बन के आएगा, ये मुझे गिफ्ट मिला था, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था, अब एप्लिक होके आया है, सिलेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसे मैंने नहीं दिखाना। और बाकी जो कपड़े हैं ना, ये अभी मेरे फ्रेंड के हैं, उनके मैंने सीने को देने जाना है, टाइम नहीं लग रहा, अब देखूँ बस, अब मैं करती हूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा पकाने का, भी मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ क्या बनाऊँ, वरना क्या बनाऊँ आज, मेरे लिए भी पानी लेके आना ठीक है, आज मेरी हेल्पर भी नहीं आई, बर्तन भी धोने वाले पड़े हैं, क्या करूँ और क्या ना करूँ कुछ समझ नहीं आता, कसम से इतना थक जाती हूँ सच्ची, मेरा दिल करता है कि बस आके तो मैं ना पक्का पकाया मिले और खाऊं और रेस्ट करूं थोड़ा सा, बहुत थक जाती हूँ। चलें जी, अब ये सारा सामान आपको पता है दुकानदारी कैसे होती है, आसान थोड़ी है दुकानदारी करना है ना, अब ये सारे मैं पैकेटों में डालूँ चीज़ें, इसको उठाऊँ और अलमारी में रखूँ, तो फिर देखती हूँ कि मैं यहाँ जाती हूँ दर्जन के घर,
तो यहाँ फिर मैं जाती हूँ अपने नंद के घर। उन्होंने ना काम करवाया घर का, टाइल लगवाई है, टाइल नहीं मार्बल लगवाई है, सॉरी मार्बल लगवाई है। जब लग रही थी तब मैं गई थी एक दफ़ा, तो जब फाइनल काम हो गया मैं गई नहीं, बहुत दिनों का सोच रही हूँ। पहले कुछ तबीयत ख़राब थी, अब ये कपड़े के काम की वजह से नहीं टाइम लग रहा, तो मैं कहती हूँ कि बस चल देखूँ कहाँ जाती हूँ। और जी अनसब को मैंने उठाया ज़बरदस्ती, मैंने कहा जाओ कपड़े दे के आओ सीने को। इसने 3 सूट पसंद किए हैं, इसके फ्रेंड ने भी लिए हैं जो इसके साथ वहाँ जा रहा है इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी इकट्ठे, तो इकट्ठे इन्होंने कपड़े लिए हैं। अब इनमें से कौन सा रखोगे भले बताओ? एक इसने नहीं रखोगे जैसे, एक इसने ये रखा है कलर, एक इसने अनसब ने ये कलर रखा है ना, और एक ये तीनों ने सेम सेम रखे हैं। अब एक सिलाई करवाएगा पहले, देखेगा फिर दूसरा। मुझे नहीं पता, तुम्हारे शापरों का मसला रहता है बड़ी या छोटी, उसको बांध लेना ना छोटी कर लेना, मुझे नहीं पता। अनसब छोटी कर लेना बेटा, खुद ही बांध के हो जाती है, मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे नए शॉपर स्टॉक वाले जो मैं अपनी वो देती हूँ कस्टमर को डाल के, वो आपको मैं दे के जाया कर रही हूँ। चलो जाओ जल्दी करो, मेरे किसी और काम धंधे लगू सब, मेरे बहुत काम है करने वाले बेटा। बस पकाना क्या है पहले मुझे बताओ, क्या पकाऊं? आराम से रहो, चिकन मुंह ना ज्यादा खोल, तेरी इतनी कुआत नहीं है चिकन जलफ्रेजी। मेरे किचन की भी हालत देखे, मेरे हेल्पर भी नहीं आई, अब देखूँ क्या करूँ। चिकन जलफ्रेजी बना लो खुद ही, कुछ सब्जी ले आना सब समझो। मेरा दिल तो नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है आज बस, अब पहले मैं दर्शन के घर जाऊं, फिर अपने नंद के घर जाऊं, और बस खाना ना पकाऊं, क्या करूं फिर? बनाना तो पड़ेगा। किस लिए कौन से पैसे रह रहे? कसम से इसका हिसाब ही नहीं पूरा हो रहा, मैं देती हूँ फिर निकल आता है कर्जा मेरी तरफ, फिर देती हूँ। ये वर्ल्ड बैंक का कर्जा है तुम्हारा है ना? हाँ वो दूँ क्या अभी लाजमी? बस तो इसको इसी पैसे का शौक छोड़ा हुआ, अकाउंट बनाया हुआ है, बस उसमें जो भी बचते रहते हैं सेविंग करते हो। हाँ सेविंग अब तो कर रहे हो ना, वहाँ जाकर देखूंगी क्या सेविंग करते हो या फास की तरह करते हो। फास सच्ची बहुत खर्चा करता है, अब इसके बाबा ने टाइट थोड़ी उसकी खिंचाई की थी और टाइट करके उसको रखा हुआ है, अब उसके पैसे का खर्चा कम भेज रहे हैं, और अब बहुत खर्चा कर रहा था। तो हुरैन बेटा हुरैन, ये अनसब को ना 1000 निकाल दो। फीस लेके गई थी अब्दुल, फीस लेके गई थी कि नहीं? चलो 1000 निकाल दो, दिखाओ। मैंने कहा हुरैन को 1000 निकाल दो, 1000 में 1500 निकाल के दे दिया। चलो जाओ, अब फिर मैं ऐसे करती हूँ सब्जी बताती हूँ, तो कोई सब्जी ले आओ। 1000 नहीं दिया, आगे देखो 1500 दिखा, दिखा। अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो मैं दिखाती हूँ, मैंने रिकॉर्ड कर लिया भाई। कोई सब्जी बताऊं, क्या सब्जी लेके आओगे? हम सब वेल तोरी ले आना है, वेल तोरी ले आना। अच्छा कहाँ जा रहे हो अभी? मैं हम लोग अब जा रहे हैं मैं अपने नंद के घर। चलो चलो, लाइट हमारी गई हुई है, चाबी उठाई हो रहे हैं, चाबी लो। हम सब कर रहा चाबी ले जाना, हम जा रहे हैं नंद के घर, बहुत दिनों का जाने का सोच रही हूँ, हो तो देर गई है, अब समझ नहीं आ रही खाना बनाऊं या उनके घर जाऊं। चाबी कहाँ है? चाबी तो मुझे इसमें से कोई मिल ही नहीं रही, ये पड़ी है हमारी वाली चाबी, पता नहीं कहाँ गई है गेट की चाबी, पता नहीं चल रहा। चलो चलो दादा बजाओ, नॉक करो, बस में आई, सामने तो घर है, कोई देर थोड़ी लगनी है। चलो मैं भी आई उनके घर, उन्होंने मार्बल लगवाया, मैं गई नहीं, मैं सब जाती हूँ, तो बाहर तो रोशनी है लेकिन वहाँ जो है ना वो बंद है, अंधेरा बहुत है, हमारी गलियों का यही हाल है, बड़ा गंदा हाल है, उड़ते हाल। चलो चलें उनके देख के आएँ, बहुत दिनों से कह रही हूँ, बस जा ही नहीं हो रहा आज, बस मैंने कहा छोड़ो खाने का देख लेंगे पहले, चलते हैं। हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो मुँह से। हाँ अब सही लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छी अच्छी लग रही है। ये एलोवेरा इनका जल गया है, क्या हुआ? छोटा छोटा सा है, कपड़े धोए हुए हैं, ये इधर अलमारियाँ बनाई हुई हैं। हाँ ये इधर पोल बनाए हैं, इधर पोल बनाए हैं, कपड़े धोए हुए हैं इन्होंने।
की हैं? बस कोई नहीं, टेबल उत्ते चढ़ा के रखे हुआ। टेबल थोड़ा रेस्ट करता पिया, थकिया हुआ आराम करता पिया। मैं आवाज मार के आई, मैं क्या फिर मैं देखिया खुड़न कहती है पप्पो के अंदर आ। मैं क्या अच्छा, मैं क्या शायद टेबल ताल पर रखा रोज पोछी जड़ी में दिया कोई होगा। आ चेंज है कलर की, एक ही है, मन तो एक ही लगता वा। ओ तो थोड़ा के चेंज है, चेंज है ओ बहुत वाइट है, जरा ग्रे ग्रे टाइप का देखिए तो। हां बस उन्नी भी तो फर्क ही है मैंने लगता है ना, बहुत अंतर हो इना। वहां पर जरा गौर ना देखो ना, नहीं बस ठीक है, बैठे बैठे बस हमारा दिल कर रहा है कि ना फ्रूट सैलेड दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि एप्पल काफी सारे पड़े हुए थे, इसके बाबा लेके आ गए थे, शौक से खाते रहे थे, अशद लेता था दो चार काटे करके बस वहीं कहीं छोड़ देता था। और फ्रूट सैलड जो है ना, ये सबने बहुत पसंद किया, बहुत है ना, और मज़े का था ना, मुझे खुद बड़ा मज़े का लगा। हर चीज़ थी, सिर्फ एक मायोनीज नहीं थी, तो वो मैंने मंगवा ली। तो मैंने कहा चलिए बस, और ऐसे फ्रूट पड़े रहेंगे, इससे अच्छा कि हम ये बनाते हैं। ये बीच चला गया उरैन, और रैन ने कटिंग करवाई। केले नहीं है, केले वैसे डालते भी नहीं है सेबों का ये होता है, केलों से थोड़ा केलों का ना कलर चेंज हो जाता है। बस केले पड़े हुए तो थे, लेकिन एक एक करके बच्चों ने खा लिए, तो ये मैं अब इसको मिक्स करती हूँ। आधा काम हुरैन ने कर लिया था, मायोनीज डाल ली थी, चीनी पिसी हुई डाल ली थी और क्रीम डाल ली थी, हुरैन ने मिक्स कर लिया था। तो बाकी फिर हम दोनों ने मिलकर फ्रूट काट लिया, तो बस अब मिक्स करने लगे थे। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से भी ये बात मैं शेयर कर लूँ कि हमने आज दोबारा से फ्रूट सैलड बनाया है, बहुत मज़े का लगा है। तो मैं देखूँगी अगर एप्पल कुछ मुझे कम लगे ना, तो कल दो तीन एप्पल काट के मैं और डाल दूँगी। तो अब इसको मैं छील करने को रखती हूँ, बहुत मज़े का है। फ्रूट कॉकटेल मैंने नहीं डाला, फिर और ख़र्चा हो जाना था, फिर क्या फ़ायदा। और वो सच बात बताऊँ, हुरैन को पसंद भी नहीं था ना, हुरैन को वो पसंद नहीं था, मैंने इसलिए मंगवाया नहीं। मैंने कहा जो घर में चीज़ें बड़ी है ना, बस इसका ही बना लेते। अब मैं इसको किसी अच्छे से बॉल में डालूँ और डाल के ठंडा होने को रखते हैं, ठीक है हुरैन। तो जी अब इसी वीडियो के यहीं पर देखें, छोटी सी वीडियो होगी, बड़े मज़े का है। मैं यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग प्लीज़ दिल खोल के मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आगे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया करें, लाइक कमेंट भी करें। सुबह दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू। चलें जी आ जाएँ। कुरैन से तो सब्र नहीं हुआ, कुरैन कह रही है कि जी अभी करना है खाना है, ठंडा भी नहीं करना, अभी इसको खाएँ। मैंने कहा चलिए ठीक है, जैसे बच्चों की मर्जी, खाते हैं।